विश्व के मानचित्र पर सात महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीप एशिया और इसका सबसे चर्चित देश भारत अपने विभिन्न संपदाओं और विशिष्ट संस्कृतियों के लिए सदियों से आकर्षण का केंद्र बना रहा है। रोहतास के इतिहास का यह विशाल गवाह पौराणिक काल से लेकर बीते हुए पल तक की असंख्य घटनाओं को अपने सीने में संजोए आज भी जीवित खड़ा है। जी हाँ, यह है कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं। पौराणिक पुरुष रोहिताश्व से ख्याति लब्ध इस क्षेत्र को पुराणों में कारुष प्रदेश कहा गया है और आगे चलकर रोहिताश्व के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया रोहतास। काशिता प्राग्तिक भागे प्रत्येक शोषण दादीप जहानवी विंध्योर मध्य देश कारुष स्मृत। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी पहली बार जब पूरे देश में एक साथ गूंजा, तब उस वक्त रोहतास क्षेत्र भी पीछे नहीं था। ब्रिटिश को यमराज की छवि दिखाने वाले ये वीर थे निशान से। 7 जून 1858 को ठीक सुबह 7:30 बजे सासाराम के गोलक्षण में तोप के मुंह से बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। 15 अगस्त 1947 का दिन हर हिंदुस्तानी के झिलमिलाते सपनों के सच होने का था। रोहतास ने अपना ये कदम कृषि की तरफ बढ़ाया। करीब 70% यहाँ की आबादी ने इसे अपनी रोजी रोटी का मुख्य साधन बनाया। रोहतास की उपजाऊ मिट्टी से सिर्फ फसल की महक ही नहीं आती, बल्कि इस धरती से निकले साहित्य की खुशबू हवाओं से निपटकर चारों दिशाओं में बहती हुई यहाँ के साहित्यकारों का परिचय भी देती है। साहित्यिक कृतियों से लबरेज रोहतास की यह भूमि भला शिक्षा के क्षेत्र में कैसे पीछे रह सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कई लोगों ने अपना विशिष्ट योगदान देकर नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसी साहित्यिक और शिक्षित मिट्टी इस क्षेत्र को धर्म जाति रंग वर्ण सबके बंधनों से मुक्त रखी है। मेरो पश्चिम कुलेन चोल तारात्मो हृदो महान तत्र यक्षे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। सासाराम के पश्चिम छोटी पहाड़ी पर चंदतन शहीद पीर का मजार अवस्थित है। सासाराम नगर सिखों के लिए 17वीं शताब्दी से एक पवित्र धर्म स्थली रहा है। सासाराम के दक्षिण बूढ़न पहाड़ी के नजदीक ईसाई बंधुओं का ये प्रमुख चर्च है। हसन शाह सूरी ने अपने शासन काल में एक रोजे का निर्माण करवाया। इस रोजे को सूखा रोजा के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी के इस वीर शहंशाह ने सासाराम में एक भव्य रोजे का निर्माण करवाया, जिसमें अफगान स्थापत्य कला की बेमिसाल झलक देखने को मिलती है। यह रोजा पानी के एक बड़े तालाब के बीच में बनाया गया है। अरण्य काल प्रवास के दौरान एक किले का निर्माण करवाया, जो आज रोहतासगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम भारतीय कैबिनेट में श्रम मंत्री के रूप में पदासीन हुए। जी हाँ,
सही पहचाना, ये महान अमर शख्स बाबू जगजीवन राम है। बाबूजी की इस अमिट अमूल्य छवि के सुनहले सिलसिले को आज तक बरकरार रखने तथा आगे बढ़ाने का श्रेय उनकी सुपुत्री श्रीमती मीरा कुमार को जाता है। 3 जून 2009 की लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनकर भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वर्तमान समय के मुंबई में असमानांतर छवि का ध्वज लहराने वाले एक लोकप्रिय प्रबल नेता है श्री संजय निरुपम। डॉक्टर दुखन राम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेत्र चिकित्सक नियुक्त किए गए। यह महत्वपूर्ण पर्व न केवल इस क्षेत्र में बल्कि बिहार राज्य के समस्त क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। धर्म के इस युग में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए महत्वाकांक्षी प्रयास और उनके सफल परिणाम इस क्षेत्र को लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। ऐसी निरंतर कोशिशें शायद समय के किसी करवट में रोहतास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ध्रुव तारा बनकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए।